डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल गणित प्रकाश क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड चैप्टर 1 को हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 1 रियल नंबर। ये रियल नंबर क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, साथ ही साथ व्हाट इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या किसे कहते हैं, व्हाट इज होल नंबर, होल नंबर किसे कहा जाता है, व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर क्या है, व्हाट इज रैशनल नंबर एंड व्हाट इज इरैशनल नंबर, इन तमाम नंबर के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर को समझेंगे। व्हाट इज नेचुरल नंबर, इसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो जो नंबर काउंटिंग में इस्तेमाल होते हैं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ वन एंड गोज टू इन्फिनिटी, मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट तो एक से होता है लेकिन इसका ख़त्म नहीं होता है, ये एंडलेस नंबर है। इट हैज़ नो बाउंड्री, इसका कोई बाउंड्री नहीं है, जैसा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यानी वो नंबर जो स्टार्ट 1 से होगा लेकिन इसका एंड नहीं होता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। इसके डिफिनेशन को कुछ इस तरह समझे, द नंबर्स फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर काउंटेड आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है इंग्लिश के लेटर एन से। इसके बाद व्हाट इज होल नंबर, जिसको हम लोग मुकम्मल अदद कहते हैं। होल नंबर कहने से क्या समझेंगे, नेचुरल नंबर के झुंड में अगर जीरो को शामिल कर देने से होल नंबर बन जाता है। व्हेन वी पुट जीरो इन द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर वी विल गेट द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, मतलब जीरो एंड द नेचुरल नंबर टुगेदर फॉर्म होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दें, शामिल कर दें तो वो होल नंबर बन जाएगा। होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के लेटर डब्ल्यू से। व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर क्या है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा पीछे जाएंगे। नेचुरल नंबर क्या है, हमने पढ़ चुके हैं कि जो नंबर एक से शुरू होगा और उसका एंड नहीं है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। होल नंबर क्या है, एक से पहले जीरो अगर ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। अब जीरो से छोटा क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है, जैसा -1, -2, -3, इस तरह हम लोग नीचे चलते जाएंगे, -4, -5, -6। तो नेगेटिव नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर के कलेक्शन को इंटीजर कहते हैं। इस तरह इंटीजर दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलेंगे, जो जीरो से बड़ा होगा, +1, +2, +3। नेगेटिव इंटीजर किसको बोलेंगे, जो जीरो से छोटा होगा, -1, -2, -3, -4, सो ऑन। व्हाट इज रैशनल नंबर, इसको हम लोग समझेंगे। तो द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर। मतलब यह हुआ कि वो नंबर जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं, जहाँ पर पी और क्यू दोनों ही इंटीजर हों और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो का बराबर नहीं होता होगा, उसको हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे। पी अपॉन क्यू, क्यू जो है डिनोमिनेटर जो है वो जीरो कभी नहीं होना चाहिए, जीरो होता है तो रैशनल नंबर नहीं होगा, इसीलिए यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो बताया गया है, इसको आप समझ लें। तो वो नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पे पी क्यू दोनों ही इंटीजर हो और क्यू जीरो के बराबर ना हो, उसको हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिया गया है, जैसा 4/8, 1/3, -6/7, ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को इंग्लिश के लेटर क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। के बाद व्हाट इज इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर क्या है, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वो नंबर जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सके, जहाँ पे पी और क्यू दोनों ही इंटीजर हो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, उनको हम इरैशनल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल √2, π, √3 ऐसे। तो रियल नंबर किसको कहते हैं, ऑल रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर टूगेदर फॉर्म कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाई द लेटर आर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब तमाम रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के मजमुआ को, कलेक्शन को हम लोग रियल नंबर कहते हैं।
और रियल नंबर को इंग्लिश के कैपिटल आर से एक्सप्रेस किया जाता है। आई हैव अंडरस्टूड डैट ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर फॉर्म टुगेदर रियल नंबर। मतलब ये है कि हम जान चुके हैं कि तमाम रैशनल और इरैशनल नंबर को एक जगह शामिल करके रियल नंबर बनता है। तो सो एनी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरैशनल। कोई भी रियल नंबर या रैशनल हो सकता है या इरैशनल हो सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम एक पिक्चर की शक्ल में, यहाँ पे दिया गया आपको फॉर्मेट की शक्ल में, आपके बुक में पेज नंबर 9 में ये फॉर्मेट दिखाया गया है कि ये होल नंबर कहते हैं इसे, ये नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, ये इंटीजर, ये रैशनल नंबर, ये इरैशनल नंबर, इन तमाम के कलेक्शन को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ओके, तो चलिए इसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के जो सम है उसको हल करेंगे।